नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सतना जिले के बिरसिंहपुर में अपने आप को दिग्गज नेता मानने वाले उन नेताओं के अरमान आंसुओं में भगए जो वर्षों से नगर परिषद अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे। ये वह ख्वाब सजाए हुए थे कि अगर सीट सामान्य हुई तो वह अध्यक्ष ही जरूर लड़ेंगे और अध्यक्ष भी बन जाएंगे, पर इनका दुर्भाग्य कहें कि सीट हरिजन महिला के लिए आरक्षित हो गई है। इससे यह कहा जा सकता है कि नेताओं के दिल के अरमान आंसू में बह गए। आपको बता दें कि नगर परिषद बिरसिंहपुर का गठन सन 1979 में हुआ, जिसमें सर्वप्रथम रुद्रदत्त पांडे को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद स्वर्गीय जीवन लाल अग्रवाल नगर परिषद अध्यक्ष बने। श्री अग्रवाल एक मिजाजी किस्म के सिद्धांतवादी नेता माने जाते थे, तो वहीं रुद्रदत्त पांडे की छवि सरल, सहज एवं एक सुलझे हुए कूटनीतिक नेता के रूप में रही है। उसके बाद राजकिशोर गौतम अध्यक्ष बने, जो एक एक्सीडेंटल नेता के रूप में नगर परिषद की कुर्सी संभाली। इसके बाद बाबूलाल बेलदार, रामकली साकेत, मजीद खान और मजीद की पत्नी ने भी अध्यक्ष पद संभाला। वहीं अभी धनीराम प्रजापति अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले 25 साल पहले से लगातार नगर परिषद आरक्षित कोटे में थी। कभी ओबीसी, कभी हरिजन, तो कभी हरिजन महिला, पर इस बार सब आस लगाए थे और ताल ठोंक रहे थे कि सीट जरूर सामान्य होगी और हम सब अध्यक्ष बन जाएंगे, पर दुर्भाग्य इनका कि फिर से सीट हरिजन महिला हो गई। आपको बता दें, अपने आप को बिरसिंहपुर के जिन नेताओं ने दिग्गज नेता के रूप में गिनती कर रखी थी और ताल ठोंक रहे थे, उनमें मुख्य रूप से पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष रामानुज गौतम, पूर्व सांसद प्रतिनिधि रहे एडवोकेट रमेश सेन, वर्तमान सांसद प्रतिनिधि रमेश पांडे, वर्तमान भाजपा मंडल अध्यक्ष परशुराम गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष मजीद खान, कमलेश मिश्रा, सुनील पांडे, पीसी विश्वकर्मा, राम नरेश पांडे एवं संजय शुक्ला आदि नेता रहे हैं। तो वहीं इनके अलावा कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनकी औकात खुद का घर चलाने की नहीं है और वह नगर के विकास की बागडोर संभालना चाह रहे थे। इनमें से ऐसे नेता हैं जो कई बार जेल भी जा चुके हैं, जो भूमाफिया किस्म के हैं, इनका नैतिक पतन हो चुका है और अनैतिकता का पिशाच 24 घंटा इन्हें सवार रहता है। इन्हें केवल अपने हिस्से से मतलब रहता है। लोगों की तो यहाँ तक चर्चा है कि इनमें से कुछ पार्षदी भी लड़ रहे हैं। लोगों की माने तो इनमें से ऐसे नेता हैं कि लोगों के घरों में कब्जा कराना, लोगों के साथ मारपीट करना, फर्जी मुकदमा लगवाना इनका मुख्य कार्य रहता है, कारण कि यह उच्च राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं। बिरसिंहपुर से हमारे संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट।